नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बिहार पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपको अपने आप को आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं बहुत ही इलस्ट्रियस पैनल ऑफ स्कॉलर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्संस के बीच मैं बैठा हूं और अपने सारे पैनलिस्ट का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी आपके सामने पैनल बैठा है, इस पैनल में जितने भी आदमी हैं इनके पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है। ये लोग इतनी डिमांड में हैं अपने प्रोफेशन की वजह से, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। मैं इनका रियली बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं IGNCA के जितने भी पैटर्न्स हैं जो IGNCA के कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं और स्पेशली जो आज का हमारा कार्यक्रम है जो गुरु नानक देव जी के 550 मरणोत्सव के उपलक्ष में मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सारे पैनलिस्ट का और जितने भी ऑडियंस आज मौजूद हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो आज पैनलिस्ट हैं उसमें हैं प्रोफेसर मोहिंदर सिंह बेदी साहब जो कि चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के, और हमारे साथ हैं श्री गुरशरण सिंह गिल जो कि एक सिख स्कॉलर हैं, सिख स्टडीज के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल के पद पर भी पहले रह चुके हैं और अपने प्रोफेशन के अलावा अपना पूरा समय उस समाज सेवा में देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर GS गिल GS नैयर साहब जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लगभग 22 साल का इनका रिसर्च एक्सपीरियंस है। इनका जो मेन एक्सपर्टीज है वो मेडिवल पीरियड ऑफ सिख हिस्ट्री है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अनगणित रिसर्च पेपर्स लिखे हैं जिनका यहाँ पर बखान करना संभव नहीं है और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जगह पर फैले हुए हैं। जो मेन किताबें जो एक दो नैयर साहब ने लिखी हैं उनमें है जनरल हरि सिंह नलवा गुरु हरगोविंद सिंह इन ट्रेडिशन, मौखिक इतिहास दिया सिख दिखता दे संदर्भ विच एंड सौ साखी। ये इस समय में हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के चेयरमैन साहब डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर हैं और वो अपना आज के कार्यक्रम का जो चेयरमैन एड्रेस है कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी देंगे। आज का कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए मैं GS नैयर साहब को से गुजारिश करूंगा कि आप माइक पर आवे तथा आज का कार्यक्रम का जो पहला व्याख्यान है नानक देव जी के ऊपर देने का टेस्ट करें। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल सर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अथॉरिटीज ऑफ द नेशनल कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हैविंग सिलेक्टेड माय नेम फॉर delivering a lecture on Guru Nanak Dev Ji Sahib. I am grateful to you all who are listening to my lecture and the respective places in your places, respective places. I am also grateful to Central Ministry for offering for doing a lot for the Guru for spreading the teachings of Guru Nanak Dev. As a matter of fact, Guru Nanak Dev was excellence personified. He has proved himself to be a member of humanity, to be the prophet of humanity and not to the Sikh religion. Or he was not only the founder of Sikh religion, but the leader of the whole humanity. Now my lecture starts. The name of the fact is that my lecture, the name is, topic is Guru Nanak, time and his life and times. As a matter of fact, Guru Nanak occupies a very high place in the history of the Punjab. He was a great savior of humanity. The Punjab
on the eve of Guru Nanak's birth presented a very gloomy picture. There was all this darkness, there was ignorance and endless strife. It was time for the Lord to create Himself for the relief of the pious and the destruction of the sinner. Guru Nanak thus came as a savior of the Punjab. He was born in 1469 AD at village Talwandi, now called Nankana Sahib in the West Punjab. Guru Nanak manifested religious inclination right from the childhood. As he grew older, he showed more and more mystic tendency. Though he was very optimistic to his father, obedient to his father, yet he always preferred divine tendencies. His father tried to engage him in a number of professions, yet he did not feel at home there. So, in the long run, he was employed as a Modi of Daulat Khan Lodi at Sultanpur and worked very efficiently there. A very significant incident took place in the vicinity of Sultanpur when he took bath in the river at Ribeyi and remained there for 3 days after his death. This is considered as a time of his enlightenment, after which he declared to the general public that there was no Hindu, no Muslim. All are the children of the universal God. Afterwards, Guru Nanak left the job of the Modi and indulged himself in the mysterious and engaged himself in the mysticism and engaged himself in the direction of in directing the contemporary society towards the path of truth and righteousness. The humanistic tendencies of Guru Nanak Dev affected the pluralistic society of India as well as different connected countries traveled by him for preaching his mission. In fact, Guru Nanak's religion was to make as much effort as possible to give solace to the suffering humanity, maybe in the east, west, north, or in the Deccan. The chief religious prevalent during his time were Hinduism and Islam. Guru Nanak believed that there is one and only one God, and nobody is good or bad in this world, but thinking makes it so. He laid stress on the fatherhood of God and brotherhood of mankind. He discarded caste and class system. The pride of caste and class was condemned by Guru Nanak. He, of course, applauded sacred scriptures of the other religions but he cautioned the devotees to adopt themselves to the injunctions found there in the scripture. The schematic religion says that there are 18,000 worlds, but there is only one essence, that God is limitless. Guru Nanak further predicted that though a man's age be equal to 4 yugas and grows even 10 times more, he be known in the world 9 continents and all follow his train, no one would care for him, since he is accounted a vermin, and even the sinner without God's
gracious glance. Guru Nanak believed in the transcendent and immanent God. According to his mystic philosophy, his injunctions, if and when a human being indulges in his praise by means of repetition of the name, he becomes attuned with the God himself. Guru Nanak advocated a household life. He discarded asceticism because ascetics, that is, siddhas and yogis, etc., have to depend upon the householders and are to beg alms from them. Guru Nanak himself was a householder, though he remained on preaching tours for a long time to awaken the ignorant and innocent people in accordance with his mystic philosophy. Yet he settled himself with the family and at Kartarpur during the last days of his life. The excess of Guru Nanak's mysticism, his repetition of the name, and obedience to the preordained order of the Lord. By means of Naam Simran and citing the praises of Almighty, one becomes attuned with him. Since Guru Nanak was a householder, he was a founder of Bhakti movement in the Punjab. Some of his religious doctrines were attuned with the Bhaktas of other areas. As a matter of fact, Guru Nanak believed in practical ethics, and his doctrines pertained to the life lived. During the Udasis, he preached honest and earning and living and distribution among the needy. He discarded false ceremonies and rituals. Historians and writers are often seen discussing frequently whether Guru Nanak was a reformer or a revolutionary. While some of them preach that he was a revolutionary, others argue that he was a revolutionary. While we of course do feel that he was of course a reformer whose major focus was on reversions. He discarded the futile contemporary ills slowly and steadily, but his emphasis was not on deliberate reforms. Revolution was automatically witnessed when drastic changes were suggested, albeit nobody raised any objection. Right from the beginning of his career, Guru Nanak preferred Gurmat Sangeet. His bani are divine compositions and charismatic personality attracted one and all. All and sundry. Concerning our historical analysis of the Udasis of Guru Nanak, we may say that he was heavily inspired to undertake the long journey around the country and abroad when there was no means of communication, when there was no transport at all. His ethical vision and dynamic personality led him to brave the chill and heat of the weather, the vigorous weather, and undertake the risk of life from the kites and wild beasts, etc. Throughout the long religious travels for fulfilling the mission of putting the fellow human beings on the track of righteousness, he was householder and had to be always to be away from the parents and the whole family
for a long time. He has indeed left the legacy of sacrifice for cosmic earth and the welfare of humanity. By way of conclusion, I must say that as one and only one Kohen, in the shape and form of human beings, was minted by God in his mint, naturally one should be have one and only one religion. Let me repeat this stanza again. As a matter of conclusion, I may say that as one and only one, Kohen in the shape and form of human beings, was minted by God in his mint, naturally one should have one and only one God, one and only one religion. His naturally one should have one and only one religion. So this is very, very important to understand that Guru Nanak's religion was to save humanity. He was all in favor of human beings. Let me take this opportunity to offer before your good self that I have written two books at the same time, since those are related with the subject. I'll relate some points from one book, and the other I will keep. About the other, I'll keep mum. One is on Guru Nanak himself, and the other is life of the people of Punjab and the people who were in favor of the doctrines of Guru Nanak. As I have already narrated before your good self, that one book which has already been written by me just now in recent days is Nanak Panthis. Nanak Panthis is from Dabistan-e Mazhab, written by Zulfikar Ardistani Mohsenfani. He has given the life and style, the doctrines of Guru Nanak in his book. And I have given a critical appreciation of this book, therein eliminating this fact that this is from without and within. The other book, Guru Nanak himself only, and the first chapter, are the point is Guru Nanak and his lifetimes. The other is Guru Nanak and the Bhakti movement. Then another fact, other point is on the image of Guru Nanak in the eyes of Bhai Gurdas. Then comes his travels or Udasis. After this, we come to another point, which is the humanism of God, humanism of the Guru himself, the humanism of the Guru. Then another point is, the very significant point is, that the Guru says that reception of the name, repetition of the name and pre-ordained order of the Guru, then transcendent and immanent God of Guru Nanak, then humanism of Guru Nanak. Then after this, Guru Nanak, a reformer or a revolutionary, in which I have explained that he was a revolutionary. I have already explained on the subject. Then comes the conclusion. So I am very grateful to the audience, for the authorities, for the very, very genius people to listen to me, to listen to my lecture. I am thankful to them all, and I feel that to pray to all God Almighty to shower His supreme blessings upon you all who have participated in the lecture and who are doing their best to spread the teachings of Guru Nanak right in the far-flung areas. Thank you very much, bundles of thanks, nice of you. Thank you very much, sir. Thank you.
for enlightening all of us on philosophy and life of Guru Nanak Dev Ji. And thank you very much for your blessing. And I once again thank you very much for really sparing time and coming today to deliver lecture on Nanak Dev Ji. I will take this opportunity to welcome Dr. Deep Chand Agnihotri Ji, who is the chairman of today's session. Professor Kuldeep Chand Agnihotri Ji joined the Central University as Vice Chancellor in 2015. Before joining this university, Dr. Agnihotri was serving in Punjab School as its Vice Chairman. Dr. Agnihotri has, to his credit, many books. I would just like to name two of the books, Ek Aur Jaliyanwala and Irani Kranti Orson Ke Baad. These are the two books which Dr. Agnihotri has written. They have been widely discussed in recent times. His collection of Hindi stories, Ghar Ke Bandi, has received accolades from Punjab Hindi Parishad. Dr. Agnihotri belongs to Chakmoh district, Hamirpur, Himachal Pradesh. Professor Agnihotri is a postgraduate in Hindi and political science. Dr. Agnihotri completed his Adi Granth Acharya degree and PhD from Punjab University, Chandigarh. So I really welcome you wholeheartedly, sir. And thank you very much for joining this webinar. Thank you so much, sir. We are really honored to have you here. And now I will invite Sri Gurucharan Singh Gill Saab to deliver. In fact, Dr. Gurucharan Singh Gill is the main mentor who is guiding us in commemorating all the activities that Ministry of Culture and IGNC has planned for 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. And he is the guiding force for this. And I am really honored that he could join us today and can deliver a lecture on Guru Nanak Dev Ji. Sir, I will pass on the mic to you, sir. Thank you very much. धन्यवाद पंड्या जी. भारत सरकार का आभार प्रदर्शित करते हुए कि उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का की स्मृतियों को अमर बनाने के लिए अनेक प्रकार के आयोजन करने की योजना बनाई और गौरवान्वित किया IGNCA को इस तरह की नोडल एजेंसी के रूप में मनाने के लिए. ये आयोजन पहले सीधे हुए थे, स्टेजों पर जाकर आम आदमी के बीच में हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी पद्धति बदलनी पड़ी. पर मैं IGNCA की टीम जो जोशी साहब के मार्गदर्शन में और पंड्या जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इन्होंने दूसरा तरीका निकाल कर उसको आयोजनों को आगे निरंतर जारी करने का प्रयास किया. ये सराहना के योग है. आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर नायर साहब की बात को आगे करते हुए और जो आज का विषय है कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षा है. जीवन तो उनका इतना विस्तृत है कि उसके लिए कई वेबिनार आयोजन करने पड़ेंगे और उसके अंदर जो यात्रा में उनका संकेत था वो कोई यायावर नहीं थे, कोई बंजारे भी नहीं थे. उन्होंने चार यात्राएं की. पहली यात्रा उनकी जितनी सनातन परंपरा है उसके स्थान अपने कुरुक्षेत्र से शुरू होकर और रामेश्वरम तक गए और दूर पूर्व तक गए. वो सारे स्थानों पर उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो महापुरुष थे उनसे संवाद किया. उसके बाद दूसरी यात्रा उनकी जैन और फकीरों को शुरू होती है जो राजस्थान से होते हुए आगे वो भी दक्षिण तक जाती है. तीसरी यात्रा उनकी बुद्धिस्ट की तरफ जो हिमालय के ऊपर रहते थे वहां पर हुई और चौथी उनकी जो मुस्लिम कंट्री है, अरब कंट्रीज हैं, उसकी तरफ हुई. ये चार यात्राएं उन्होंने सारे जीवन में की लेकिन एक उद्देश्य के साथ और संवाद के साथ की. गुरु नानक देव जी के बारे में चर्चा करने से पहले ये संवाद विषय में मैं एक दो लाइन में बात कहना चाहूंगा कि पहले भारत में शास्त्रार्थ होता था जिसको लोग वाद विवाद कहते थे लेकिन उसकी जो परिणति थी वो सकारात्मक नहीं होती थी. जो विद्वान शास्त्रार्थ में जीत जाते थे वो दूसरे विद्वान के सारे जो धर्म ग्रंथ है उनको छीन लेते थे और उनको नष्ट कर देते थे. इससे ज्ञान सीमित हो जाता था. फिर बीच में वितंडावाद भी आया.
वितंडावाद का कि मतलब अपने मत को मनाने के लिए शक्ति का भी प्रयोग हुआ, बहुबल का उपयोग भी हुआ और संख्या बल का उपयोग हुआ, ये काल भी हमने देखा भारत के अंदर ही। और फिर लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब तक दुनिया रही है नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए। पहले सुनने की बात कही है उन्होंने, कहने की बात उन्होंने बाद में कही है, और यही गुरु नानक देव जी का संवाद था, जो डायलॉग था, जिसके कारण वो जहां भी गए उनकी पद्धति भी अलग थी। गुरु नानक देव जी के जीवन को अगर हम संक्षेप में देखना चाहें तो उन्होंने कहीं भी जाकर किसी से पहला सवाल नहीं किया, चाहे वो हरिद्वार में गए, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आपके किधर पूर्व की तरफ पानी क्यों दे रहे हो। वो अब कहीं पर भी गए, मक्का में भी गए तो ये नहीं कहा कि भी मैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको काबा को क्यों मान रहे हो, और भी स्थानों पर गए। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की सहजता और विनम्रता के साथ कि लोगों ने उनसे सवाल किया और उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो ये एक सकारात्मक पद्धति गुरु नानक देव जी की, जो प्राचीन से थोड़ा सा अंतर लेके शुरू हुई थी, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बाकी मैं सीधा शिक्षाओं पर ही आना उचित समझूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा है, और कोशिश करूंगा मुझे दो चार मिनट जो नायर साहब के मिले हैं उनका कहीं उपयोग कर सकता तो और भी जोड़ के आगे बात को कहूंगा। मैं एक एक चीज को मैं बातचीत में करना चाहता हूँ उनके जीवन से ही। सबसे पहला जो उनका संदेश है वो था समानता का। उस समय समाज में धार्मिक असमानता भी थी, जिसमें राजशासन था लोधियों का। मैं बहलोल लोधी की एक बात बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के एक विद्वान ने एक बात कह दी कि भी मुसलमान धर्म बहुत श्रेष्ठ है लेकिन हिंदू धर्म भी बुरा नहीं है। केवल इतना कहने पर उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया। तो धार्मिक रूप से असमानता थी। दूसरी हम देते हैं कि जो दलित हैं उनको प्रति छुआछात और इस प्रकार की बातें थी, वो उस समय बहुत विद्यमान थी। पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, नीचा अंतर नीच जात, नीचू हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वडियां स्यों करे, जितते नीच संभालियन उत्ते नदर तेरी बख्शीश। ये दलित कहे जाने वाले लोगों को ऊंचा स्थान देकर उन्होंने उपदेश दिया। उस समय नारी को भी छोटा माना जाता था, अलग माना जाता था। उन्होंने कहा कि सो क्यों मंदा किए जित जमे राजा। और चरपटनाथ जोगी से जब उनका संवाद हुआ है नानक मता के अंदर, तो नानक वहां सारे ऋषि भर्तृहरि जी भी वहां विराजमान थे, भर्तृहरि जी काफी बुजुर्ग हो गए थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम हो तो बहुत अच्छे विचार के हो, हम चाहते थे कि तुम हमारे उसमें आ जाते तो हमारा ये संस्था आगे बढ़ जाती, नाथों की संस्था, लेकिन तुमने कांजी लगा दी है दूध में। कांजी का मतलब शादी कर ली है। तो उन्होंने कहा कि आप नारी को इतना हीन क्यों मानते हो, आप जिसने पैदा किया उसको हीन मानते हो और उन्हीं गृहस्थियों के घर पर आप जाते हो। तो ये सारा उपदेश देकर उन्होंने नारी का सम्मान बढ़ाया। इस प्रकार की जो तीन धार्मिक, लिंगात्मक और जातियात्मक कह लो, वर्गात्मक कह लो, ये जो असमानता थी इसको उन्होंने दूर किया और जीवन में सिद्ध करके बताया, दृढ़ता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। ये पहला उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, उनमें विनम्रता बहुत थी। जैसे मैंने जो बात की, उन्होंने विनम्रता की बात कही, क्योंकि अहंकार से आप किसी को बदल नहीं सकते। अहंकार से जीत सकते हैं लेकिन उसका जीवन, उसका विचार उसको नहीं बदल सकते। इसलिए उन्होंने वाणी में कहा कि नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, और पेड़ जल जाएंगे धूप खूब। विनम्रता को कहा। गुरु नानक देव जी की कथा तो आता है कि उन्होंने परमात्मा से कहा कि क्या मांगना है, बोले मुझे गरीबी चाहिए, मुझे गरीबी मांगकर मैं आप चले जाना चाहता हूँ। गरीबी का मतलब विनम्रता, अपने आप को बड़ा ना कहना। ये दूसरी बात उन्होंने कही, आज के समय और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज सारा अहंकार का खेल चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाता है, कई बार नहीं होता ये व्हाट्सएप की फोटो, ये छोटा सा दान कर दिया और वहां पर फोटो डाल दी, ये कर दिया, ये अहंकार नहीं तो क्या है। अहंकार का पोषण हम कर रहे हैं सारे लोग, और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अहंकार बिल्कुल नहीं जीवन में होना। तीसरी बात जो उनकी शिक्षा के मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक शुचिता की बात उन्होंने कही है। आज हम किसी भी प्रकार से
पैसे को कमाना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। ठीक है, पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन नैतिकता और आय पैसा कमाने की पद्धति भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, पापा बाजन होवे नाई मोया साथ न जाए। बहुत ज्यादा अधिक धन बिना पाप के कमाया ही नहीं जा सकता है, ये आज भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ। केवल आईटी सेक्शन को छोड़कर जहां पर सॉफ्टवेयर में जो लोग काम करते हैं, कोई भी आदमी गलत काम किए बिना पैसे ज्यादा पैसे वाला नहीं हो सकता, और वो हमको आवश्यकता बहुत सीमित है, अंत में साथ जाता नहीं है। इसलिए आर्थिक शिष्टता की बात उन्होंने जो गुरु नानक देव जी ने कही, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगली बात इसी का एक हिस्सा है, गुरु नानक देव जी ने पुरुषार्थ की बात की। ऐसा नहीं है कि उनका पैसे कमाओ काल खाए, अब आप पुरुषार्थ से कमाइए। और फिर अगली बात और जोड़ी है इसी के अंदर, उन्होंने कहा काल खाए कुछ हत्थों दे नानक राह पहचाने से। जो आदमी पुरुषार्थ से कमाता है लेकिन कमाए हुए धन में दूसरों को बांट देता है, जिससे गुरु नानक देव जी का जो त्रिसूत्र है जिनके बारे में कहते हैं, नाम जप वर्णचकृत कर नाम जप वर्णचक, वर्णचक का जो कंसेप्ट है जो सारे विश्व में बहुत सराहा जाता है, स्वीकार किया जाता है, वो उनके शब्द में उन्होंने उसमें क्या था, काल काय कुछ हत्थों थे नानक राह पहचाने थे, ये उन्होंने उसकी बात कही है। एक मैं थोड़ा चर्चा कर ही दिया कि सांप्रदायिक मुक्तता की बात भी उन्होंने कही। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले ये सबसे सारे एहलाम को दुनिया को जो संदेश दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम जातियों में हम खुद लोग बांटते हैं अपने आप को, लेकिन परमात्मा ने सबको एक बनाया है। और इस उन्होंने ये भी कह दिया कि परमात्मा किसी का अलग अलग नहीं है। ओम शब्द पहले भी भारतीय परंपरा में विद्यमान था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उसके साथ एक और जोड़ा कि वो परमात्मा केवल एक है, वो किसी जाति वर्ग विशेष आदमी का नहीं हो सकता। वो परमात्मा जब सबका एक है तो सांप्रदायिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये सारी बात उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कही। अगला जो विषय मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि कई बार हम जो लोग समाज में कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, जीवन में रोजी रोटी से ऊपर जीवन में उठ के होते हैं, चाहे ज्ञान प्राप्त करते हैं या और भी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, तो पर हम कई बार समाज से विरक्त हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने शब्द कहा कि सिद्ध छिप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। एक सिद्ध लोग को आप पर्वतों में जाकर छिप कर बैठ गए हो, इस जगत को कौन पार करेगा उतारेगा। यानी अगर आपने जीवन में स्वाध्याय से सिद्धता प्राप्त की है तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि अपने ज्ञान के द्वारा, अपने स्वाध्याय और अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में अच्छा करिए। जगत को पार उतारने का मतलब जो मोह माया लड़ाई ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों में विकारों में जो आम आदमी फंसा रहता है, सारा जीवन इसी में गुजार देता है, उनको सही मार्ग दिखलाकर आपने उनको पार उतारने से मतलब सत्य भवसागर को परमात्मा के पास चला जाएगा। तो ये बात जो उन्होंने सामाजिक दायित्व की बात कही, ये बात भी आज भी उतनी प्रासंगिक है। एक बात मैं अगला विषय देना चाहता हूं, वो है राष्ट्रीय चेतना का। गुरु नानक देव जी भारत की संस्कृति भारत के अध्यात्म के प्रति बहुत अपनापन रखते थे, और इसलिए जब बाबर ने हमला किया सैदपुर पर, सैदपुर एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं ये सैदपुर पर हमला नहीं है, खुरासान कस्बाना किया हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न देही करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई गुरदाने की दर्द ना आया। परमात्मा को लाना दिया कि परमात्मा इस हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान राजनीतिक भी नहीं था, वो हिंदुस्तान भौगोलिक भी नहीं था, वो हिंदुस्तान था आध्यात्मिक सांस्कृतिक। क्योंकि गुरु नानक देव जी का एक शब्द है अगला कि खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेश पाख्या गई, सृष्टि सब एक वर्ण हुई धर्म की गत रही। यानी धर्म की दुर्गति हो रही है, ये बात उन्होंने दूसरे शब्द में भी कही है जाकर
ये इसलिए वो राष्ट्रीय चेतना की बात करते थे। और ये भी एक संदेश और दिया कि सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो परमात्मा की रजा ही ऐसी थी, कई बार भारत में क्या कि हर चीज परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, जीव कर्म करने के बाद उसके फल पे परमात्मा तक छोड़ दिए, यहाँ तक तो सही ठीक है, लेकिन कर्म नहीं करना कहीं परमात्मा ने किया उसे स्वीकार करता, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान से संवाद करने के बहाने उन्होंने आम समाज को चुनौती दी है और भगवान को उलाना दे दिया कि करता तू सबना कर सोई, जे सकता सकते को मारे ताम अनरोस न होई, सकता शी मरे पे वकी खसमे सब। कि परमात्मा अगर गायों के बाड़े में शेर आ जाता है तो मालिक की भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है। तो इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक चेतना जागृत किया कि आपको खड़े होना है भाई, भगवान के भरोसे नहीं रह जाना, कि भगवान ने तो आपको सारी शक्तियां दी हुई है, उसका उपयोग करना और उसके संदेश को पर दृढ़ रहने के लिए आपने आवाज उठाना, ये सामाजिक चेतना गुरु नानक देव जी के मार्गदर्शन में हमको मिलती है। और अगली एक विषय और है, पर्यावरण जो आज बहुत चर्चित है। गुरु नानक देव जी का एक शब्द आता है जो सिख नित्यनेम में रह रहा समय रोज पढ़ा जाता है, बलिहारी कुदरत वस्य। उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है ना, ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा जो तू कुदरत में बसा हुआ है, मैं तुझको बलिहार जाता हूँ। भाई वीर सिंह जी की मैंने एक कविता पढ़ी थी, भाई वीर सिंह जी ने ये कहा कि हम जब प्रकृति के सौंदर्य को देखकर आनंदित होते हैं तो हम एक प्रकार से परमात्मा की आराधना ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके प्रकृति के जरिए हम परमात्मा को समझते हैं, आनंदित होते हैं, ग्रहण करते हैं ये बातें। इसलिए पर्यावरण के बारे में गुरु नानक देव जी ने ये भाव दिया। और फिर उसमें अगला एक शब्द जो आता है वो भी सिख नित्यनेम का एक हिस्सा है। नित्यनेम इसलिए है कि भाई सिख को प्रतिदिन याद कराया जाता है, ये कोई एक बार नहीं कि कभी लिख दिया श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। सिख की जिम्मेवारी है प्रतिदिन चीजों को दृढ़ करे, ना केवल स्मरण करे बल्कि दृढ़ करे। वो है पवन गुरु पाणि पिता माता धरतमा। हम आम आदमी के समाज के विकास, किसी के विकास के लिए सबसे पहले माता की भूमिका आती है, फिर पिता की भूमिका आती है और फिर गुरु। तीन व्यक्तियों की भूमिका से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसे ही सृष्टि के निर्माण के लिए तीनों की आवश्यकता है। और इसलिए जैसे हम पिता को सम्मान देते हैं ऐसा जल को सम्मान दें, जैसी आत्मीयता हम माता को देते हैं ऐसी पृथ्वी को दें, और जैसी पूज्यता हम गुरु को देते हैं वैसी पूज्यता का भाव हमारे अंदर पवन के प्रति रहे। ये तीनों प्रकार के जो प्रदूषण है उनके प्रति हमें संदेश देता है कि हमने पर्यावरण में इनकी रक्षा करनी चाहिए। अंत में मैं समय की बातों को, जो गुरुदेव जी का मिशन है जो उन्होंने व्यवहारिक रूप से हमारे सामने रखा, वो करतारपुर में लगभग 20 साल रहे अंत में उनका जीवन, उसमें दो बातें आई। एक जो पहली मैंने पुरुषार्थ की बात कही कि उन्होंने कहे शब्दों में नहीं कह दिया था काल खाए कुशतों दे, बल्कि उन्होंने अंतिम 20 वर्षों में खुद खेती की है। और ऐसा भी आया कि जब लैणा जी जो ज्वाला जी दर्शन करने जाते थे और उन्होंने कहा कि सुना है कोई संत हैं उनके दर्शन करने जाना है, तो वो उधर की तरफ घोड़ी लेके चल रही है और कहते हैं भी इधर कोई गुरु नानक का डेरा है। तो गुरु नानक देव जी ने कंधे पर जो चारा होता उसकी एक गठरी उठाई हुई थी और उसका रकाब भी पकड़ लिया लैणा जी का और साथ में चले और जाकर बाद में जहां पर ले गए और थोड़ी देर बाद लैणा जी दर्शन करने आए। वो लैणा जी इसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और वो उनके शिष्य हो गए, तभी के होकर रह के बाद में दूसरे गुरु के रूप में गुरु अंगद देव जी कहलाए। तो ये जो पुरुषार्थ उन्होंने जीवन किया, वो 20 साल जो गुजारे, सबसे पहले उन्होंने गुरु घर बनाया जिसको उन्होंने धर्मशाल कहा। उन्होंने कहा एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ हर कोई जात पंथ ऊंच नीच लिंग किसी प्रकार के आर्थिक भेद से मुक्त होकर कभी भी यहाँ पर आ सके, जिसका स्वरूप आज गुरुद्वारों के रूप में मिलता है। ये पहले धर्मशाला शब्द प्रारंभ किया था, गुरु घर धर्मशाला उन्होंने प्रयोग किया। ये दूसरा एक विजन दिया सामाजिक जीवन की रचना के लिए कि हमें इस प्रकार देना चाहिए। दूसरे उन्होंने गुरु पद्धति प्रारंभ की,
उन्होंने गुरु नानक देव जी ने आकलन किया होगा ऐसा कि पहले भी और बहुत संत विचारवान हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत दिशा दी है, जैसे वो खुद कुछ की वाणी भी लेके आए थे, कबीर देव जी की, रविदास जी की, नामदेव जी की, ये सारे जो संत थे, लेकिन उनकी वाणी और उनकी शिक्षाएं वहां तक ही सीमित रह गई। आगे उस चैनल में इसके साथ यानी जो दबाव प्रभाव के और प्रक्रिया के साथ देश जाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु पद्धति प्रारंभ करनी पड़ेगी क्योंकि ये निरंतरता रहेगी तभी ठीक उचित लगेगा। इसलिए गुरु अंगद देव जी के रूप में उन्होंने दूसरा जो गुरु पद्धति थी, जो इंस्टीट्यूशन के रूप में जिसको कहते हैं कि उन्होंने अपने संस्थागत रूप दिया, तो गुरु घर के बाद उन्होंने गुरु पद्धति थी, लेकिन उन्होंने यहां तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, जोड़ने के लिए विचार बेहतर, व्यक्ति से भी महत्वपूर्ण होता है विचार, इसलिए उन्होंने शब्द दिया गुरुवाणी। तीसरी जो उन्होंने चीज इंस्टॉलेशन किया गुरुवाणी, क्योंकि ये जो वाणी गुरु नानक देव जी ने ना केवल अपनी वाणी बल्कि कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी और अनेक जयदेव जी तक की जो वाणी है वो गुरु नानक देव जी खुद लेके आए थे, जो बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हमारे पास एक शब्द गुरु के शब्दावतार के रूप में जिसे मानते हैं, तो ये उन्होंने गुरुवाणी की पद्धति दी है। इससे सिख पंथ की स्थापना इसी आधार पर परंपरा के तहत हुई। तो ये चीजें मैं सोचता था कि अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और एक अंतिम अरदास जरूर कर रहा हूँ सबके लिए कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष के ये सेमिनार की जो वेबिनार्स हैं इसकी शुरुआत की है, 31 तारीख तक चलेंगे, है जी। हमने इसमें सबका योगदान श्रोता के नाते, वक्ता के नाते या और भी प्रकार के कुछ सलाह देने के नाते रहना चाहिए। इसके बाद भी कुछ सेमिनार्स, कुछ कॉलेज से बात हुई है, वेबिनार में कोशिश करेंगे कि हम 50 कम से कम वेबिनार इस वर्ष और कर लें, क्योंकि हमारी ये योजना थी कि 550 तक ले जाएंगे और पर करना भी है, पर हम शुरुआत टीचा छोटा नाप कर फिर बड़े आगे तक बढ़ेंगे। कई बार होता है बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो पहले से डर जाते हैं, शुरुआत लक्ष्य 50 का लक्ष्य हमने बनाया, बातचीत की हमारे जो संचालन समिति के बाकी मान्य सदस्य हैं सारे, उन लोगों से बातचीत करके इसमें भी आप शिरकत करेंगे और IGNC वाले और उत्साह और समर्पण के साथ ही काम कर रहे हैं, वरना ये इतना हो भी नहीं पाता, वो आगे और बढ़ाएंगे। उनमें आयोजनकर्ताओं, पैनलिस्ट का, श्रोताओं का, सभी का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। धन्यवाद सर, आपके गाइडेंस में जो हमने अभी तक काम किए हैं उनके कुछ काम मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा। हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई थी सुल्तानपुर लोधी में प्रकाश पर्व के उत्सव पर, और वो सुल्तानपुर लोधी का जो रेलवे स्टेशन है, जो नया रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे ने बहुत भव्य तरीके से तैयार किया था, उसमें हमने एग्जीबिशन लगाई थी जिसमें गुरु नानक देव जी लाइफ के बारे में दिखाया था। उसके अलावा हमने समागम किए हैं, अयोध्या में किए, प्रयागराज में किया, बीकानेर में किया, हरियाणा में किया, पानीपत में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया। हमने काफ़ी प्लानिंग भी आगे की हुई है और हम आशा करते हैं कि जैसे ही ये 19 का पेंडेमिक धीरे धीरे थमेगा तो हम दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा लाएंगे। और लगभग 10-15 हमने पब्लिकेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट पब्लिकेशन के लिए तैयार है, वो सारे कार्य जो हैं हमने गिल साहब की लीडरशिप में और जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके मार्गदर्शन में हमने किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज जो आपने इतने सरल शब्दों में गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र के बारे में और उनसे का योगदान ह्यूमैनिटी के लिए, देश राष्ट्र निर्माण के लिए जो आपने दिया, हम आपका आपके लेक्चर के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सिंह बेदी जी से, जो कि ऑनरेबल चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर मोहिंदर सिंह बेदी जी ज्वाइन एज चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 2018। डॉक्टर बेदी इज ऑल्सो सर्विंग एज काउंसिल मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, is an organization under Ministry of Human Resource Development, Government of India, and is also a member of National Monitoring Committee on Minority Education, Government of India.
Dr. Bedi has also served as Professor Emeritus, Punjabi University, Patiala from 2012 to 2014. Dr. Bedi retired as Professor and Head of Department of Hindi, Guru Nanak Dev University, Amritsar, where he also served as Dean and Director of Chairs of Bhagat Kabir, Sadhguru Ram Singh, and Swami Vivekananda. Apart from several regional awards and honors, he is felicitated by the President of India by Award of Hindi Sevi Puraskar and Government of Punjab by the Award of Shiromani Hindi Sahitkar in 2004 for his contribution to the field of Hindi language. He has also served as Hindi advisor to the Ministry of Labour and Employment and Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Government of India. Dr. Bedi has also been on the panel of National Language Council, Government of India, for preparing draft of the new education policy. Dr. Bedi has, to his credit, many books. He is a prolific writer. He has been writing regularly in newspapers, journals, national journals of Hindi. And he is, in fact, a regular features in several Hindi newspapers. He is poet at heart and a powerful orator. His irresistible charm mesmerizes one and all. So now, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी जी से. परम आदरणीय गिल साहब, डॉक्टर अग्निहोत्री जी, नैयर साहब, अरवर जी और इस वेबिनार के साथ जुड़े विद्युत जन, श्री गुरु नानक देव जी को जगत गुरु कहा गया है और एशिया के बहुत बड़े शायर इकबाल ने उन्हें मर्दे कामल कहा है. भाई गुरदास ने गुरु नानक देव जी के बारे में उस समय पर विचार करते हुए कहा कि बाबा नानक पूरी धरती को, सृष्टि को शोधने के लिए, गलत कदरों कीमतों को समाप्त करने के लिए वह पूरी पूरे जगत को अपना संदेश देने के लिए एक बहुत बड़े महायात्रा पर निकल पड़े हैं. चढ़िया सोदन तरत लुकाई. गुरु नानक देव जी 25 वर्ष पैदल पूरी मानवता को संदेश देने के लिए यात्रा करते रहे. हाल ही में एशिया के विद्वानों ने अपने आलेखों में यह सिद्ध किया कि गुरु नानक देव एशिया के पहले यात्री हैं जो भारत और एशिया के देशों का परस्पर संवाद उत्पन्न करते हैं. गुरु नानक देव जी की यह महायात्रा कोई छोटी नहीं थी. 25 साल उन्होंने कभी कभी वो ईरान की ओर गए, काबुल गए, कंधार गए, चीन की तरफ गए, ताशकंद गए और भारतवर्ष का कोई भी ऐसा बड़ा तीर्थ जहां पर गुरु नानक ना गए हो वो वहां गए और वहां के संप्रदाय, धार्मिक विश्वास के मानने वाले संप्रदायों के साथ संवाद किया. ये जो संवाद की यात्रा है, ये जो ज्ञान की यात्रा है, अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला जो कार्य है वह है गुरु नानक के द्वारा एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में एशिया के देशों में फैला. और आज एशिया के इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर एशिया की संस्कृति, एशिया की विरासत, एशिया का चिंतन, एशिया के दर्शन को समझना है तो हमें गुरु नानक वाणी की जरूरत है. यह संवाद पिछले 2 दशकों से दुनिया के दार्शनिकों में, इतिहासकारों में, समाज शास्त्रियों में, राजनीतिज्ञों में एक नव संवाद बनकर उभर रहा है.
और एलन जिसने एशिया के देशों का इतिहास लिखा 5 खंडों में, वह बार बार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के बिना, जिसकी संपादन गुरु अर्जन देव ने 1604 में महान मनीषी भाई गुरदास की सहायता से अमृतसर की पावन धरती पर किया, उन वाणियों की व्याख्या के बिना, उन वाणियों के आशीर्वाद के बिना एशिया की देशों की सभ्यता और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी का एशिया के देशों में भारत को बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान की कुछ कड़ियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 36 वाणीकार हैं, और जितने भी वाणीकार गुरु ग्रंथ साहब में हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, पीपा जी हैं, सदना साहब हैं और शेख फरीद हैं, कोई भी वाणीकार गुरु नानक देव जी का समकालीन नहीं है। सब गुरु नानक देव जी से पूर्व काल के हैं। अभी गिल साहब नाम ले रहे थे जयादेव जी का, जयादेव 10वीं शताब्दी के हैं। कबीर साहब, रविदास जी, नामदेव जी, पीपा, सदना, सेन, ये सारे के सारे वाणीकार गुरु नानक के पूर्व काल के हैं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि गुरु नानक देव जी ने इन वाणीकारों की वाणियां इकट्ठी की। शेख फरीद, कबीर साहब, रविदास जी, जयदेव, जहां जहां गुरु नानक जाते थे संवाद करने के लिए, वहां के बड़े महापुरुषों की वाणियां भी वो अपने पास रख लेते थे, और बाद में जब श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन गुरु अर्जन देव जी ने कहा किया, तो गुरु नानक जी के द्वारा एकत्र की गई वाणियां उस महान ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इस दृष्टि से गुरु नानक देव जी की मध्य योगीन इस महान ग्रंथ के संपादन में बहुत बड़ी देन है। और अगर आज हम देखें तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाबे नानक जी के 974 शब्द 974 और 19 रागों में इन शब्दों का आकलन हुआ है। गुरु नानक देव जी बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने पंजाब के स्थानीय लोक धुनों को, उन्होंने पंजाब के स्थानीय रागों को, शास्त्रीय रागों को एक नई गुरमत संगीत की पद्धति से जोड़ा, और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन रागों का उच्चारण किया गया, अपनी वाणी जिन रागों में उन्होंने दर्द की, आप पंजाब के संगीत का इतिहास पढ़कर देखिए, ये सारे राग आज पंजाब की संगीत के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका दे रहे हैं। ये भी अवदान बाबे नानक का है संगीतकार के रूप में। और हम सब जानते हैं भाई मर्दाना बाबे नानक का साथी था, 48 वर्ष गुरु नानक देव जी के साथ रहा, परम सखा के रूप में सबसे निकट जो बाबे नानक की यात्राओं में कोई व्यक्ति रहता था वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी भाई मर्दाना थे। तो ये भी आप संदेश देखिए, गिल साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं, और हमारा पहला गुरु गुरु नानक अपने साथ जिस साथी को लेकर चलता है वह भाई मर्दाना थे, और जब भी वाहिगुरु की ओर से वाणी उन तक पहुंचती थी, बाबा नानक कहते थे कि रबाब बजाओ, वाहिगुरु के द्वारा वाणी गायन का हुक्म हो रहा है। ये वाणियां जो बाबे नानक ने गाई
ये सब भाई मर्दाना की रवाज के साथ पूरे पंजाब, पूरे एशिया और पूरे विश्व की हवाओं में ये महान शब्द गूंजे और बाबा नानक का कला और संगीत के क्षेत्र में भी इतना बड़ा योगदान है कि आज शास्त्रीय संगीतकार लोक धुनों पर काम करने वाले बाबे नानक के इस योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। एशिया के कला के इतिहास में भी ये बातें दर्ज हैं कि गुरु नानक कला और साहित्य संगीत को एक नई दिशा दे रहे थे मध्यकाल में। बाबे नानक का अभी 550 वर्ष प्रकाश पर्व पर हम रोज उनको याद करते हैं, अपनी स्मृति में लाते हैं। और गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकल्प रखा। मुझे ख्याल आ रहा है कि जिस व्यक्ति को अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, द प्योर इकोनॉमिक्स, बंगाल के रहने वाले हैं, मूलतः भारतीय हैं, उन्होंने द प्योर इकोनॉमिक्स में लिखा कि एशिया के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तब तक विकास की धारा के साथ नहीं जुड़ सकते जब तक श्रम के महत्व को नहीं पहचानते। ये श्रम क्या है? बाबे नानक का आप देखिए, वो कहते किर्त करो। किर्त का सही अर्थ है अपने हाथ से काम करो, हक हलाल की कमाई खाओ। और गुरु ग्रंथ साहब में किन वाणीकारों की वाणी है जो श्रम को महत्व देते हैं? कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, रविदास जी चमड़े का काम करते थे, धन्ना जी जाट थे, सदना कसाई के काम करता था, सेम नाई का धंधा करता था। और अब तो एशिया के देश ये भी कहने लगे हैं कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री के इतिहास को देखना है एशिया के देशों में, तो कहते हैं कि बाबे नानक की सोच के साथ चलो, तभी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मध्यकालीन जो स्वर है, जो उन भक्त कवियों की रचनाओं में मुखर हुआ, जिसे बाबा नानक ने अपनी झोली में डाला और बाद में पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने दुनिया के समान ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया। ये संदेश है, ये गुरु नानक देव जी का अवदान है कि एशिया के देशों की जो एक विकास और चिंतन की विचारधारा है, बाबा नानक उस चिंतन की विचारधारा के नए फूल खिला रहा था। अभी जिक्र हुआ बाबर के आक्रमण का। गुरु नानक जब काबुल से वापस आ रहे थे, मक्का मदीना की यात्रा से लौट रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने देखा कि बाबर की सेना अभ्यास कर रही है भारत के ऊपर आक्रमण करने का। चार शब्द उन्होंने बाबर के आक्रमण के ऊपर लिखे। उन चारों शब्दों की गहराई में जाकर देखिए, चेतावनी है। बाबा नानक देख आए थे कि बाबर के सिपाही बहुत जल्दी भारत के ऊपर हमलावर होने वाले हैं, और जब वो हमलावर हुए, सैदपुर में थे बाबा नानक, देखा। और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर ने पंजाब को डराया है या बाबर ने उनके पंजाब के किसी विशेष क्षेत्र को डराया है। गुरु नानक कहते हैं कि हिंदुस्तान डराया, एक बड़े भूभाग को, एशिया की एक बड़े उपमहाद्वीप को बाबर की सेना अपने आक्रमण से डरा रही है, हत्याएं कर रही है, स्त्रियों के ऊपर जुल्म ढा रही है। और इसका चित्रण गुरु नानक देव जी को मध्यकालीन इतिहास में एक बड़े महागुरु के रूप में पेश करता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि एशिया के इतिहासकार अब एशिया के देशों का जो मध्यकालीन इतिहास लिख रहे हैं, वह नानक वाणी को एक इतिहास के
स्रोत के रूप में नानक वाणी का उपयोग कर रहे हैं और इस इतिहास के उपयोग से एशिया के देशों की बहुत सारी गुथियां सुलझ रही हैं और यहां तक निष्कर्ष निकाले गए हैं कि एशिया के देशों में स्वतंत्रता धर्मांतरण की लहर को अगर कोई बड़ा उपमहाद्वीप रोकता है तो वह हिंदुस्तान है या बाबे नानक का वह हिंदुस्तान है कि जिसमें बाबे नानक ने लोगों को कहा कि अपनी भाषा का सत्कार करो, अपने धर्म में दृढ़ रहो। और आप देखिए ऐतिहासिक तौर पर बाबर के आक्रमण के बाद जब भी कोई आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण करने के लिए आया तो लोगों ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया, लोगों ने उसका विरोध किया। और धीरे धीरे पूर्व मध्यकाल तक आप आ जाइए, खालसे का निर्माण हुआ और धर्मांतरण की लहर को एक बहुत बड़ा रुकावट यह चिंतन बना और लोगों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी विरासत को प्यार करना सीखा। यही राष्ट्रीय चेतना है जो गुरु नानक देव ने भारतीयों में जगाई, यही राष्ट्रीय संवेदना है जो एशिया के देशों में बाबे नानक के चरण स्पर्श से उन लोगों को प्राप्त हुई। ये गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा अवदान भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन धारा को गुरु नानक देव जी ने दिया। दूसरी ओर आप देखिए कि गुरु नानक देव जी की वाणी का पूरा अध्ययन करें आप और उस अध्ययन में से पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि की जो एक छवि उभरती है, उस छवि ने पंजाब जैसे एक महा बड़े क्षेत्र को अपनी सांस्कृतिक चेतना का एहसास करवाया। गुरु नानक देव जी ने जिस पंजाबी को, जिस भाषा को, जिस अक्षर ज्ञान को, जिन ध्वनियों को अपनी वाणी में पिरोया, वे ध्वनियां, वे अक्षर, वे लिपि आज भी पंजाबी भाषा और साहित्य का गौरवशाली इतिहास बनी हुई है। अनेकों संकेत हमें जपजी साहब में मिलते हैं, आसादी वार गुरु नानक देव जी की वाणी में मिलते हैं, गुरु नानक देव जी के 12 माह जो उन्होंने लिखे उसमें हमें प्राप्त होते हैं। और कुदरत का इतना बड़ा विशाल चिंतन हमें किसी और मध्यकाल के कवि में नहीं मिलता। पंजाब के पेड़ पौधे, मौसम, सब्जियां, फल, पंजाब के पेड़ों के पत्तों की आवाज, उनकी सुगंध, फूलों के रंग नानक वाणी में बहुत सूक्ष्मता के साथ हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए एशिया के इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अगर एशिया की ज्योग्राफी को समझना तो तब गुरु नानक देव जी की शब्दावली का, गुरु नानक देव जी के द्वारा वर्णित वनस्पति का, उनके द्वारा वर्णित ऋतुओं का, फलों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। और गुरु नानक देव की वाणी का यह जो एक बड़ा संदेश है वह है, आज आप देखिए लोग खुद को नानक नाम लेवा कहते हैं, पूरे भारतवर्ष या दुनिया में आज 14 करोड़ लोग नानक नाम लेवा है, नानक के नाम के साथ उनकी सुबह होती है, नानक की वाणी के साथ उनकी शाम ढलती है और गुरु नानक की वाणी के साथ वह उस वाहेगुरु की रजा को अपने जीवन का अंग संग मानते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने जिन वाणियों का सृजन किया, जिस चिंतन को आधार बनाया, उस चिंतन का जो बहुत बड़ा स्वर है वह आज भी हमें दिखाई देता है हमारे पंजाबियों की जिंदगी में और पूरे के पूरे उन देशों में जहां जहां गुरु नानक देव जी गए। मैं एक घटना आपके साथ साझी करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी
ने आरती लिखी और वो आरती आप देखिए, गगन में थाल रमचम दीपक बने। इस सृष्टि के बारे में उन्होंने आरती में कहा कि पूरा गगन थाली है, उसमें सूर्य और चंद्रमा वो सजे हुए हैं प्रभु की आरती करने के लिए, और मलय पर्वत से आने वाली पवन चवर करती है। ये बहुत जगन्नाथपुरी गए, मंदिर के भीतर आरती चल रही थी और पुजारी ने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। बाबे नानक ने जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर उस विशाल प्राकृतिक छटा, उस विशाल कुदरत की शक्तियों का गायन किया। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जब गुरु नानक के 37 साल बाद वहां का एक बहुत बड़ा चिंतक व्यक्ति था, उसने अपनी पांडुलिपि में लिखा कि गुरु नानक पुरी में आए थे, जगन्नाथपुरी में, और उस रात एक घटना घटी। घटना ये घटी, भगवान ने मंदिर के पुजारियों को कहा कि कल मैं आपकी आरती में शामिल नहीं था। मैं तो बाबे नानक की आरती में शामिल था, जहां सूर्य और चंद्रमा प्रकृति का भ्रमण कर रहे थे, प्रकृति की आरती कर रहे थे। ये पांडुलिपि मिली है और उसमें दर्द है। जो घटना अंत में मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं, महाकवि टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुत बड़े हिंदुस्तान के कवि, उनको बल्लाल सानी ने कहा, वो बहुत बड़े एक्टर थे, कि गुरुदेव आपने नेशनल एंथम लिखा है, अब आप विश्व की आरती लिखें। तो महाकवि टैगोर ने उत्तर दिया कि मैं तो एक बड़ा छोटा सा कवि हूं, मेरी क्या हिम्मत है कि मैं विश्व की आरती गा सकूं। और उन्होंने कहा कि विश्व की आरती बाबा नानक गा चुके हैं, गगन में थाल रवचंद दीपक बने। कहते इससे बड़ी और विश्व कल्याण की, प्रकृति के चिंतन की, प्रकृति के रहस्य को पारदर्शी बनाने की और कोई आरती नहीं हो सकती। और महाकवि टैगोर ने कहा कि मैं बाबे नानक के आगे नतमस्तक होता हूं। ये बाबे नानक की पंजाब को, भारत को, एशिया के देशों को, विश्व को उनकी देन है। आज पूरा हिंदुस्तान विश्व गुरु हिंदुस्तान कब बने इसकी चिंता में डूबा हुआ है। मुझे लगता है कि बाबे नानक की वाणी को अगर समझ लिया जाए, बाबे नानक की वाणी के संदेश को अगर आत्मसात कर लिया जाए, तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। भारत पुनः भारतीय संस्कृति का उन्नायक बन सकता है, महानायक बन सकता है। ये चिंतन, ये सोच, ये आशीर्वाद हमें गुरु नानक देव जी ने दिया था। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए गिल साहब का, सरवर साहब का, अग्निहोत्री जी का, नैयर साहब का बहुत आभारी हूं कि ऐसे बड़े विद्वानों के बीच मुझे भी दो शब्द कहने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार। नानक देव जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को हमारे समक्ष उजागर किया और उनका जो योगदान हमारे भारत विरासत भाषा और चिंतन धारा को, जो उनका पूरा योगदान है जिसके जिसकी बुनियाद पर भारत देश खड़ा है, उसमें गुरु नानक देव जी के योगदान के बारे में आपने हम सबको बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे बीच आ पाए, आपने इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई। हम आपको बहुत बहुत हृदय से आपको हम धन्यवाद देते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के चेयरमैन साहब हैं, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी से कि वह आज अपना चेयरमैन एड्रेस आज के वेबिनार का हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके वाइस चांसलर
के रूप में मैं कार्यरत हैं 2015 से, और उससे पहले मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और अग्निहोत्री साहब भी रेगुलरली न्यूज़पेपर्स के अंदर, अखबारों के अंदर रेगुलरली कॉलम्स अपने लिखते रहते हैं, और दो दो किताबें, काफ़ी किताबें लिखी हैं, दो किताबें जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी प्रचलित बहुत डिस्कशन में आई, जिसमें एक और जलियांवाला और ईरानी क्रांति और उसके बाद, तो काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, और घर के बंदी जिसको पंजाबी हिंदी परिषद से काफ़ी सम्मान मिले हैं, के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आज का चेयरमैन एड्रेस है प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अचल पंड्या जी, आपने मेरे परिचय के बारे में कुछ जरूर से ज्यादा ही बता दिया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये IGNCA ने बहुत ही सुंदर ढंग से गुरु नानक देव जी का जो 550वीं जयंती है उसको मनाने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से अनेकों आयोजन किए हैं। ये आज का जो विचार गोष्ठी है, वेबिनार है, ये भी उसमें से एक है। इसके लिए मैं IGNCA के चेयरमैन और जो सचिव सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सत्यनारायण जोशी जी और राम बहादुर राय जी, उन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी लोगों की टीम, अचल पंड्या जी हैं, हक साहब दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों ने इतना परिश्रम किया, इसको इतना सफल बनाया, और मुझसे पहले तीन विद्वानों ने जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दी, अपना वक्तव्य दिया है, वो अपने अपने विषय के बहुत ही निष्णात विद्वान हैं। नैयर साहब का हिंदुस्तान के इतिहास पर, पंजाब के इतिहास पर बड़ी गहरी पकड़ है और बड़ी मौलिक उद्भावनाएं वो करते हैं, और गिल साहब गुरबाणी के बहुत ही प्रकांड पंडित हैं, वैसे कहना चाहिए वैसे वकील हैं, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे, लेकिन गुरबाणी पर उनका अगाध अधिकार है एक प्रकार से। बेदी साहब तो भाई गागर में सागर हैं एक प्रकार से, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में बहुत पदों पर रहे, और गुरु ग्रंथ साहब का इनका गहरा अध्ययन है, और उसके इनके निष्कर्ष भी मौलिक निष्कर्ष हैं। इन तीनों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं या गुरु नानक देव जी की जो कंट्रीब्यूशन है उस पर प्रकाश डाला है। अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष का काम केवल इतना ही होता है कि जो विद्वान बोल चुके हैं उनके जो उन्होंने बोला है उसके बारे में संक्षेप में बात करें। तीनों ने लगभग जैसे मैंने कहा कि अपने अपने ढंग से गुरु नानक देव जी के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है और बहुत सुंदर ढंग से, और ये बात आगे बढ़नी चाहिए। मैं केवल दो तीन बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए ये जो गुरु नानक देव जी का काल है, ये काल लगभग 15वीं शताब्दी समझना चाहिए, 15वीं शताब्दी का अंत ही था या मध्य था 15वीं शताब्दी का, जिससे ये शुरू हुआ, और गुरु नानक देव जी की जीवन यात्रा जिस क्षेत्र से शुरू हुई और जिस क्षेत्र में उसका अंत भी हुआ, वह क्षेत्र हिस्ट्री में सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। ये सप्त सिंधु क्षेत्र का जो भौगोलिक एक प्रकार से सीमाएं हैं, तो उसको समझने के लिए ये पूरा आज का भाई आज का पंजाब, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, जम्मू है, लद्दाख है, गिलगित है, बल्तिस्तान है और बलोचिस्तान है, सिंध है, पाकिस्तान वाला पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये पूरा जो क्षेत्र है इसको मिलाकर सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सात जो नदियां थीं, एक सिंधु और दूसरी सरस्वती, तीसरी सतलुज, चौथी चनाब और ब्यास, जेहलम और रावी, जो कुल मिलाकर सात नदियां बनती थी, इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु की बड़ी स्तुति की गई है, बार बार उसकी चर्चा आती है। ये सप्त सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता भी यहीं से शुरू हुई। हिंदुस्तान में जैसे आमतौर पर माना जाता है कि जो संस्कृति का, सभ्यता का श्री गणेश हुआ वो सिंधु सरस्वती घाटी से ही हुआ, तो मैं हिस्ट्री में देखता हूँ कि सिंधु सरस्वती घाटी से जो यात्रा शुरू हुई वो वैदिक और श्रवण परंपरा से चलती हुई, और उसके बाद आप समझिए महाभारत तक आती हुई, महाभारत से सिंधु सरस्वती घाटी से भी पहले महाभारत से शुरू हुई, सिंधु सरस्वती घाटी में पहुंचती हुई, वैदिक और श्रवण परंपरा से होती हुई अंत में दशगुरु परंपरा तक पहुंची।
ये बहुत लंबी यात्रा है। दशगुरु परंपरा जिन गुरु नानक देव जी की हम चर्चा कर रहे हैं वो दशगुरु परंपरा के प्रस्थापक थे। सब सिंधु क्षेत्र में उन्होंने इस दशगुरु परंपरा की स्थापना की थी और इस परंपरा ने पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज किया एक प्रकार से। मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस दशगुरु परंपरा का है। तो इस परंपरा को समझने के लिए यात्रा जितनी लंबी यात्रा जिसका मैंने सिंधु सरस्वती घाटी से जिक्र किया, दशगुरु परंपरा तक की यात्रा जो है उसका उसके सारे पद चिन्हों को उसके जो फुटप्रिंट्स हैं उसको एक बार देखना होगा। लेकिन जो अंत में दशगुरु परंपरा हुई और उस दशगुरु परंपरा में गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुए आए और जिस वक्त गुरु नानक देव जी आए उस वक्त सप्त सिंधु क्षेत्र लगभग सारा या इसका अधिकांश हिस्सा विदेशी आक्रमणकारियों के कब्जे में आ चुका था। सिंध का क्षेत्र तो पहले ही अरबों के कब्जे में आ चुका था 712 के आसपास ही, और उसके बाद तुर्कों के और मंगोलों के हमले शुरू हुए तो उन हमलों में लगभग सब सिंधु का जो बलोचिस्तान जो सिंध और सिंध तो अरबों के अंडर आ चुका था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब का बहुत सा हिस्सा उनके कब्जे में आ चुका था। गुरु नानक देव जी के वक्त मुगलों के हमले शुरू हुए। गुरु नानक देव जी से पहले जो तुर्कों के हमले और मुगल भी तुर्क थे लेकिन मोटे तौर पर जो अरबों और तुर्कों के हमले थे मध्य एशिया से जो होते थे, इब्राहिम लोधी का लोधी वंश जो था उस वक्त शासन कर रहा था और इन विदेशी हमलावरों के कारण जो सबसे बड़ी क्षति हिंदुस्तान को हुई, एक क्षति हुई कि हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा गुलाम हो गया, ये तो क्षति थी ही, और सप्त सिंधु क्षेत्र का बहुत हिस्सा गुलाम हो गया, ये भी क्षति थी। लेकिन एक सबसे बड़ी क्षति ऐसी हुई कि जिसकी हिंदुस्तान के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हिंदुस्तान पर हमले तो उससे पहले भी होते थे, कुषाणों ने हमले किए और हूणों ने हमले किए और सिकंदर यूनान तक के सिकंदर ने हमले किए, लेकिन ये जितने हमलावर थे ये या तो धन संपत्ति लूटते थे या भौतिक दृष्टि से हमें परास्त करते थे उसके बाद चले जाते थे। लेकिन अब जो नए हमलावर शुरू हुए अरब और तुर्कों के जो नए हमले शुरू हुए ये केवल लूटते नहीं थे, ये आपका मतांतरण भी करते थे कि आप अपनी आस्था अपना हेरिटेज इसको छोड़कर हमारी आस्थाओं से जुड़िए। और उनकी आस्थाएं जो थी वो अरब और मध्य एशिया में केंद्रित थी, इसलिए ये नया जो हमले का हुआ एक प्रकार से जो उसका कॉन्सिक्वेंस हुए हम लोग के, ये हिंदुस्तान के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। और इसके कारण जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो आप समझिए कि सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो तो विदेशी हमलावरों की और उसके इस मतांतरण की चुनौती थी। और इस हमलावरों के कारण या हमलों के कारण एक और बड़ा हिंदुस्तान के लोगों में निराशा आ गई थी। निरंतर हारते रहने से, निरंतर पराजित होने से लोगों में निराशा आ रही थी। और निराशा का एक और कारण भी था, ये जो आक्रमणकारी नए आक्रमण कराए ये भारतीयों के पूजा स्थलों को तोड़ रहे थे, भारतीयों के देवस्थानों को तोड़ रहे थे। अब मान लीजिए भाई मेरी आस्था भगवान विष्णु में है, मेरी आस्था शिव में है, तो जब विदेशी आक्रमणकारी शिव के मंदिर को ही तोड़ देता है, विष्णु के मंदिर को तोड़ देता है, कृष्ण के मंदिर को तोड़ देता है, राम के मंदिर को तोड़ देता है, तो मुझे लगता है जिस ईश्वर पर मैं आस्था, जिस राम पर मैं आस्था करके बैठा हूं कि वो मेरी रक्षा करेगा, तो इस आक्रमणकारी ने तो उस राम का मंदिर तोड़ दिया, इस आक्रमणकारी ने तो सोमनाथ में शंकर का मंदिर तोड़ दिया, तो ये ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करेगा। ये इतनी बड़ी चुनौती थी जिस वक्त गुरु नानक देव जी हुए, गुरु नानक देव जी ने इस चुनौती का सामना किया, जो सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए जैसे मैंने सब सिंधु क्षेत्र की बात कही तो गुरु नानक देव जी सब सिंधु क्षेत्र के थे और सुल्तानपुर लोधी की घटना प्रसिद्ध है। वो सुल्तानपुर लोधी में आए और वहां का जो नवाब था उसके स्टोर में काम करने लगे। अब स्टोर में काम करते करते आखिर गुरु नानक देव जी आम जनता में विचरने वाले प्राणी थे, गुरु नानक देव जी ऊंचे जो कहना चाहिए कि बहुत बड़े इस प्रकार का था कि बड़ी ऊंचाई पर बैठे थे, वो आम जनता में घूमने वाले, आम जनता से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे। और आम जनता की उन दिन जो स्थिति थी, जजिया टैक्स के कारण बहुत जो साधारण किसान है, जो कृषि करता है, जो लोहार है, जो आर्टिजन हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी।
गुरु नानक देव जी नवाब के मोती खाने में जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो सामान लोग लेने आते थे, तो वो घटना बड़ी प्रसिद्ध है कि किसी को तोलने लगे, गरीब आदमी होगा, उसने एक किलो शेर होते थे, शेर ही होता था, उन्होंने एक शेर 13 पर आए तो तोलते गए 13 13 13। अब ये 13 13 वो कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? दो इंटरप्रिटेशन दो प्रकार की जाती है कि एक तो भाई 13 है जी ईश्वर का ही है, लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है वो धरती से जुड़ी हुई है, वो जिसको दे रहे थे उसको कह रहे तुम्हारा ही तो है, तुम ही लोगों का लूटा हुआ माल इस नवाब ने अपने मोती खाने में रखा हुआ है, परिश्रम तुम करते हो और खाते जे विदेशी शासक हैं, जे हमारा परिश्रम जो है उसका शोषण करके अपने मोती खाने भरते हैं और फिर हमें ही बेचते हैं, इसमें तुम्हारा ले जाओ। जब ये मामला नवाब तक पहुंचा तो उसको लगा कि ये तो जो अभी निगर साहब ने कहा ना कि वो क्रांतिकारी थे जो सुधारक थे, दिस वॉज अ रेबल स्टेप कि ये तुम्हारा है जी, अधिकार आम भारतीय जनता का है, आम परिश्रमी लोगों का है। तो उस देखिए उसमें विवाद खड़ा हुआ और मोदी खाने से उनको हटा दिया गया। बाद में कथा आती है कि जब उसका माप तोल किया गया तो उतना ही सामान निकला जितना था, वो आस्था के कारण इस प्रकार की कथा मैं उसको भी मानता हूं। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, अब गुरु नानक देव जी का चिंतन ये था कि इन समस्याओं का हल क्या होगा। लेकिन प्रिय मित्रों, समस्या का हल ढूंढने के लिए डूबना पड़ता है, धंसना पड़ता है, आम जनता के भीतर घुसना पड़ता है, उसके भीतर पैठ बनानी पड़ती है। वो कथा थी गुरु नानक देव जी जो बेई थी वहां, उसमें नहाने गए और 3 दिन तक मिले रहे, 3 दिन वो डूब गए, 3 दिन के बाद मिले, और 3 दिन के बाद जब मिले तो उन्होंने सबसे पहले सूत्र क्या कहा, उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान। अभी गिल साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, इसका क्या अभिप्राय है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान के बहुत से लोग विदेशी हमलावरों के डर से भय से अपना मतांतरण कर रहे थे, राजा के मजहब में दीक्षित हो रहे थे, उसे बाकी राजा को क्या आला होता तो उसकी छोड़िए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में विवाद बढ़ रहा था। मान लीजिए मैं मतांतरित नहीं हुआ, मैं कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरा भाई कन्वर्ट हो गया, तो अब मुझ में और भाई में झगड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि भाई को मैंने अपने कुल से अपने वंश से निकाल दिया है, तो भाई भाई में हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी में झगड़ा शुरू हो गया। जो लोग नहीं कन्वर्ट हुए उनको लगता था कि हम संकट काल में भी विदेशी हमलावर का मुकाबला कर रहे हैं, और ये जो कन्वर्ट हो गए ये भीरू हैं, ये डर कर कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए भारतीय समाज में दरारें पड़ने लगी थी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कि भाई ये चाहे छोड़कर उधर भी चला गया तो राम रहीम में फर्क क्या है, इसने इतना ही किया कि पहले राम कहता था अब रहीम कहना शुरू कर दिया है। गुरु नानक देव जी ने कहा राम और रहीम एक ही है, और सच में जे कोई देखिए यदि ईश्वर है तो ईश्वर एक ही होगा दुनिया में, 50 ईश्वर तो हो नहीं सकते कि हिंदुस्तान का ईश्वर अलग है, इंग्लैंड का ईश्वर अलग है, ऑस्ट्रेलिया का ईश्वर अलग है, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने बड़ी गहरी बात कही और ये हमलावरों पर चोट करने वाली थी कि भाई तुम केवल इसीलिए इनको कन्वर्ट कर रहे हो कि आप ये राम की जगह रहीम कहना शुरू कर देंगे। गुरु नानक देव जी ने भारतीयों के लिए बहुत बड़ा संदेश था, उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना मुसलमान, राम और रहीम एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन असली बात बाद में अभी शायद बेदी साहब जिक्र कर रहे थे, गिल साहब जिक्र कर रहे थे, गुरु नानक देव जी असली बात कही, उन्होंने कहा मलेच्छ भाषा कही, अरे भाई तुमने तो इन हमलावरों की भाषा को ग्रहण कर लिया, तुम इनकी भाषा बोलने लगे, तुमने अपनी भाषा छोड़ दी, तुमने अपनी आस्थाएं छोड़ दी। गुरु नानक देव जी ने जो उनकी यात्राएं भी इसके बाद ही शुरू हुई, बेई में जो समाज आने की घटना आती है, उन्होंने ना कोई हिंदू ना मुसलमान कहा, इस बात को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी निकल पड़े। और अभी किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा कोना होगा जहां वो नहीं गए, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने अपने पैरों के नीचे नाप डाला, पूरे हिंदुस्तान में आपको गुरु नानक देव जी के फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में क्यों, बेदी जी अभी एशिया की चर्चा कर रहे थे, एशिया को पुराने संस्कृत ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा जाता है, और जम्बूद्वीप उसका एक हिस्सा भारत है,
अभी भी जब कहीं पूजा होती है तो कहते जम्बूद्वीप भारत खंड है, तो जम्बूद्वीप पूरा एशिया है, तो गुरु नानक देव जी तो पूरे जम्बूद्वीप में गए। उसका भी कारण था क्योंकि जम्बूद्वीप के बहुत बड़े हिस्से पर तुर्कों के और अरबों के कब्जे हो चुके थे, उन्होंने सबको कन्वर्ट कर दिया। प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान में घूमकर गुरु नानक देव जी ने एक बात जो महत्वपूर्ण कही, उस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोगों को कहा कि उन्होंने मंदिर तोड़ दिया है क्या फर्क पड़ता है, शिव की मूर्ति तोड़ दी है तो क्या फर्क पड़ता है, राम की मूर्ति तोड़ दी है तो क्या फर्क पड़ता है, ये जो राम है, ये जो शिव है, ये ईश्वर जो है, ये तो घट घट में व्यापक है भाई, आपके तो हृदय में है। हृदय का जो राम है वो निराकार है, मंदिर का जो राम है वो साकार है। हृदय का जो शिव है वो निराकार है, मंदिर का जो शिव है वो साकार है। शत्रु साकार को तो तोड़ सकता है लेकिन निराकार को नहीं तोड़ सकता। वो मंदिर के शिव को तो तोड़ देगा लेकिन तुम्हारे हृदय के भीतर जो बैठा है, जो ईश्वर तुम्हारे घट घट में तुम्हारे भीतर, उसको कैसे तोड़ सकता है। इसलिए निराश मत होइए, निराशा को त्यागिए। और प्रिय मित्रों, आप देखिए पूरे 25 वर्ष यात्रा की गुरु नानक देव जी ने, और पूरे यात्रा की तो लोगों से संवाद ही करते थे। अभी शायद गिल साहब कह रहे थे, जब बेदी जी ने भी कहा, निगिर साहब भी शायद चर्चा कर रहे थे, डायलॉग करते थे, संवाद करते थे, और संवाद समझाने का तरीका बड़ा जबरदस्त था। देखिए जन भाषा में संवाद करते थे, आम लोगों से संवाद करते थे, और उन्हीं के तरीके से समझाते थे। ये घटना थी गुरु नानक देव जी की, वो मक्का मदीना गए और थके हुए होंगे, क्योंकि यात्राएं तो पैदल ही होती थी भाई, थके हुए होंगे, जब गए तो थक गए और सो गए, और पैर उन्होंने कर दिए काबा की ओर। अब जब हल्ला पड़ गया शहर में कि हिंदुस्तान से एक महात्मा आया है और काबा की ओर पैर करके सो रहा है, तो मौलवी आ गया, उसने गुस्से में कहा कि भाई तुमने काबा की ओर पैर किए हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा क्या हुआ, काबा में तो खुदा रहता है, काबा में तो ईश्वर रहता है, खुदा रहता है, अल्लाह रहता है, और तुमने अल्लाह की ओर पैर किए, खुदा की ओर पैर किए हुए। तो गुरु नानक देव जी ने बहस नहीं की, शास्त्रार्थ नहीं किया, उन्होंने केवल एक लाइन कही कि भाई मैं तो थका हुआ हूं, लंबी यात्रा करके आया हूं, थक गया हूं, मुझसे उठा नहीं जाता, आप मेरी टांगे पकड़ो, जिधर खुदा नहीं रहता उधर को मेरी टांगे कर दो। अब मौलवी किधर को टांगे करे, मौलवी गुरु नानक देव जी की टांगे उठाकर कहां करता, उसने टांगे पकड़ी इधर को जाता है, फिर मन में आता है कि यदि मैं इधर को कर दूंगा फिर तो होगा कि खुदा इधर नहीं रहता, यदि उधर को कर दूंगा तो लगे खुदा नहीं रहता। गुरु नानक देव जी के एक वाक्य से मौलवी की आंखें खुल गई। प्रिय मित्रों, इस ढंग से गुरु नानक देव जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर लोगों के मन से निराशा को दूर किया, और निराशा को दूर करके वापस जब पहुंचे तो वापस आकर लगभग 1.5-2 दशक उन्होंने, एक जैसे कहा गया कि उन्होंने परिवार में रहकर और खेती की सारा किया, करतारपुर में उन्होंने निवास बनाया और एक छोटा मोटा शहरी गांव बन गया था वहां, उसमें उन्होंने इतने साल आकर साधना की, तपस्या की, एक बार तपस्या ही कहना चाहिए एक प्रकार से, और सामान्य जीवन में कैसे रहना चाहिए, और जिन दिनों वे वहां आए थे तभी बाबर का हमला हुआ। बाबर के हमले का जिक्र शायद निगिर साहब ने भी किया, गिल साहब ने भी किया, और बेदी जी ने भी किया। तो बाबर के हमले पर गुरु नानक देव जी ने बाबर को चुनौती दे दी। वो क्यों चुनौती दे सके, क्योंकि 25 साल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर लोगों के मन से निराशा समाप्त कर दी थी। इसलिए उन्होंने, अभी किसी ने कहा था जब बाबर का हमला तो सैयदपुर पर हुआ था, तो गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि सैयद पर हमला हुआ है या पंजाब पर हमला, उनका दृष्टि कितनी विशाल थी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान डराया कि ये हमला केवल सैयदपुर पर नहीं है, हमला पंजाब पर नहीं है। गुरु नानक देव जी दूर दृष्टि वाले थे, वो समझ गए थे ये हमला पूरे हिंदुस्तान पर है, जहां से होता हुआ आक्रमण पूरे हिंदुस्तान तक जाएगा। इसलिए उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र के मैदानों में ही बाबर को चुनौती दी, और उन्होंने अभी गिल साहब कह रहे हो, उन्होंने ईश्वर को भी कहा कि भाई ऐसी मार पई कुरलान है कि इतनी अत्याचार हो रहे हैं, तय की दर्द ना आया कि तुम्हें भी दर्द नहीं आया। लेकिन ईश्वर से ये डायलॉग करके वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने ईश्वर से ये डायलॉग करने के बाद अपना जो डेरा था जहां वो रहते थे वहां अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी, ताकि ये जो काम मैंने शुरू किया है
निगर साहब ने कहा ना रेवोल्यूशनरी, डेफिनेटली ही वॉज रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा ये जो मैंने काम शुरू किया है ये परंपरा से आगे चलता रहे, जिसको कहते हैं टू टेक द मूवमेंट टू द लॉजिकल एंड, इसके लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। और जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो लहना थे और बाद में उनका नाम अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको केवल ऐसा नहीं कि पहली बार, अनेक साल उन्होंने अपने डेरे पर अपने निवास पर रखकर उसको प्रशिक्षित किया, विचारधारा से उसको संपर्क किया और भविष्य की क्या रणनीति है इसको समझाया। और जब उनको लगा कि अब ये व्यक्ति कंप्लीट तौर पर पूरे तौर पर मेरे आंदोलन को, जिस बात के लिए मैंने इतना समय लगाया है उसको आगे बढ़ाने में समर्थ हो गया है, तो उन्होंने अपना भार उस पर देकर, और वो एक प्रकार से कहना चाहिए उनका शरीर त्याग दिया उन्होंने, और श्री त्याग के भाई लैणा पर जो अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए उन पर। बाकी देखिए भक्ति काल में तो और बहुत से कवि हुए, बहुत से संत हुए, बहुत से भक्त हुए, लेकिन किसी संत ने इस प्रकार से परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यदि की भी तो केवल इसमें आध्यात्मिक साधना में, मोक्ष कैसे प्राप्त करना उसमें, प्रस्थान त्रयी में से किसी को पकड़कर आगे ले जाना। गुरु नानक देव जी ने प्रस्थान त्रयी में से किसी को नहीं पकड़ा, उन्होंने सिंपल ही बात की कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, उसके उस प्रकार से साकार निराकार के झगड़े में उलझने की बात नहीं, ईश्वर निराकार है, घट घट में व्याप्त है। प्रस्थान त्रयी को नहीं पढ़ा, बाकी साधु संत प्रस्थान त्रयी में से किसी एक को किसी दूसरे को पकड़ते रहे। गुरु नानक देव जी ने ये आंदोलन अपने शिष्य को देकर एक प्रकार से, जैसे उनका दायित्व जो संसार में था वो समाप्त हो गया, उन्होंने इच्छा मृत्यु ली। मैं ऐसा नहीं कहता कि गुरु नानक देव जी का मृत्यु होगी जब उनका देहांत हो गया, उन्होंने इच्छा मृत्यु ली। जो बड़े महापुरुष होते हैं, जब उनको लगता है कि संसार में जितना उनका दायित्व था, जितना काम था, वो पूरा हो गया है, तो वो स्वेच्छा से प्राण त्याग देते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वेच्छा से प्राण त्यागे। और प्रिय मित्रों, ऐसा आता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर को लेकर दोनों लोग झगड़ पड़े, क्योंकि आखिर हिंदू मुसलमान थे तो भाई, एक ही परिवार का एक व्यक्ति हिंदू था, कन्वर्ट नहीं हुआ था, दूसरा कन्वर्ट हो चुका था। और गुरु नानक देव जी शुरू में घोषणा करती थी ना कोई हिंदू ना मुसलमान, इस बात पर मत लड़ो। तो फिर दोनों भावा विभोर होकर एक ने कहा, भाई अब हमने जो नई परंपरा पकड़ी उसमें तो हम शव को दबाते हैं। तो दूसरे ने कहा, प्राणी परंपरा तो जलाने की है, प्राणी परंपरा तो दाह संस्कार करने की है। तो दोनों ने वो, अब कथा आती है कि जब उसको हटाया गया तो फूल निकले, आधे फूलों का दाह संस्कार हुआ, आधे दबा दिए गए। ये भेद भी समाप्त करना चाहते थे। किसी ने लिखा कि नदी की लहरें आईं काल प्रवाह में, दाह संस्कार वाला समान स्थान भी लुप्त हो गया और जो दबाए गए थे वो स्थान भी लुप्त हो गया। नदी की लहरों में गुरु नानक देव फिर एक हो गए, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कन्वर्ट हुआ, जो कन्वर्ट नहीं हुआ उनके भीतरी दरारों को समाप्त करने का इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं हो सकता था। प्रिय मित्रों, गुरु नानक देव जी ने क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया जिसका लॉजिकल एंड गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ में जाकर हुआ। मैं समझता हूं आज गुरु नानक देव जी की जब 550वीं जयंती दुनिया भर में मनाई जा रही है, तो गुरु नानक देव जी की इस सांसारिक कंट्रीब्यूशन को, एक तो होता आध्यात्मिक कंट्रीब्यूशन, वो तो हर व्यक्ति की चलिए अलग अलग होती है, हर साधक की अलग अलग होती है, और हर साधक के शिष्य भी अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी का जो एक्सपेरिमेंट था ये सांसारिक एक्सपेरिमेंट था, आम लोगों के लिए था, और मुक्ति साधना, देश की मुक्ति साधना स्थापना के लिए, धर्म का मल रिलीजन नहीं, धर्म का मल न्याय युक्त राज्य की स्थापना के लिए, पूरी मानवता के लिए, जिसमें मानव प्रसन्न हो, मानव सुख में से रहे, और किसी प्रकार का, एक प्रकार से कहना चाहिए मानव मानव का शोषण ना कर सके, उस प्रकार के समाज के लिए गुरु नानक देव जी ने उसकी स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और अपने उत्तराधिकारी को उसके लिए त्याग किया। आज मैं गुरु नानक देव जी की स्मृति में नमन करता हूं। आपने इतना बड़ा अच्छा सेमिनार इसके लिए आयोजित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सब इतनी मेहनत से काम करते रहते हैं, अचल पंड्या जी ने सारा आयोजित किया, गिल साहब दिन रात इस काम में लगे रहते हैं, और बेदी जी तो खैर इसमें डूबे ही हुए हैं एक प्रकार से, निगर साहब भी पटियाला में बैठकर इतिहास में ढूंढते रहते हैं ये सब बातें, और राम बहादुर राय जी, सच्चिदानंद जोशी जी, इनकी दिशा निर्देश में ये काम हो रहा है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अध्यक्षीय भाषण के लिए, और आपने सबके भाषणों का बहुत अच्छा निचोड़ निकाला, और साथ में जो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू जुड़े उनसे हम सभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हुए हैं, और हमें गुरु नानक देव जी के चरित्र के बारे में, गुरु नानक देव जी के अस्तित्व के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला है, जो शायद कई चीज़ें नानक देव जी की छिपी हुई थी वो भी आप हमारे समक्ष लेके आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे पहले हम लोग वोट ऑफ थैंक्स की तरफ जाएं, मैं एक बात रखना चाहूँगा कि आजकल दिल्ली पूरे उत्तर भारत में एक मॉनसून आया हुआ है, और मैं हमने जो आज पहला वेबिनार किया इसमें अमृत तो यहाँ बरसा है, इतना अच्छा अमृत आप लोगों ने, सभी विद्वत जनों ने जो अमृत हमारे ऊपर बरसाया है उसके हम रियली आपके आप सब लोगों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब मैं हमारे जो डॉक्टर सरवरुल हक हैं जो 550 साल हमारे कम्युनिटी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बिहाफ पर जो पब्लिकेशन निकल रही हैं उसके ये कोऑर्डिनेटर हैं, और ये आज का जो वेबिनार है इन्होंने ही संजोया और हम सबके बीच में लाए। इनसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप आज का जो है फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर अचल पांड्या जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव मी द प्रपोज्ड वोट ऑफ थैंक्स बिफोर द गैलेक्सी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सिख स्टडीज। और सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट का, अपने एजेंसी की तरफ से और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और गुरु नानक देव जी के जीवनी के विभिन्न आयामों पर, उनकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, दिल्ली में सुन रहे हैं, इंडिया में सुन रहे हैं, इंडिया से बाहर सुन रहे हैं, वो कुछ ना कुछ गुरु नानक देव जी की जीवनी से उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, संदेशों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे और जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री साहब का, डॉक्टर एच एस बेदी साहब का, डॉक्टर जी एस गिल साहब का, डॉक्टर जी एस नैयर साहब का और अचल पांड्या सर का, जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और इसके पीछे जो हमारी जो मार्गदर्शक हमारे हैं, सरस सचिव द एमएस ऑफ द एजेंसी है डॉक्टर सचिन जोशी सर का, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा काम हुआ और वो अपने बहुत कामयाबी से इस अंजाम तक पहुँचा सर। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एजेंसी टीम का, कुलीग का, और गुरु नानक सेल के सभी साथियों का, जैसे अभिजीत दीक्षित, डॉक्टर अभिजीत का, डॉक्टर अरविंद का, डॉक्टर रैम्बो सर का, और अनिल वर्मा जी का, और भावना जी का, संतोष जी का, और राजदीप जी का, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वेबिनार को कामयाब बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे वेबिनार हम करते रहेंगे। श्रोताओं का भी धन्यवाद जो इसमें श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।